यहाँ जी रूम में जाकर जाशू का दिया हुआ गिफ्ट खोल कर देखती है। उसमें डॉग का सॉफ्ट टॉय होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो जाशू को कॉल पे बताती है, मुझे आपका गिफ्ट मिला। जाशू पूछते अच्छा लगा तुम्हें। जी कहती है ये किसी से मिलता जुलता है। जाशू कहता है कहीं यान से तो नहीं। जी हंस के कहती है आपको अभी भी मेरा ऐसे याद है। जाशू एग्री करके कहता है मैंने ये डॉग तुम्हारे घर के आसपास देखा, मुझे तुम्हारी ड्राइंग से ये बहुत सिमिलर लगा, सो मैंने तुम्हें ये गिफ्ट में दे दिया। तुमने फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया है, कंग्रेचुलेशंस। तभी जी कहती है मुझे भी आपको कुछ भेजना है। जाशू मना करके कहता है तुम वो सब अपने ऊपर खर्च करना, वैसे भी तुम्हारी मनी पॉकेट बहुत कम है। जी फिर भी इज्जत करती है, बट जाशू कहता है तुमने सोचा मेरे लिए बस इतना ही काफी है। जी पूछती है क्या ग्रेजुएशन सेरेमनी में वापस आओगे। जाशू कहता है हाँ तुम आओगी। जी एग्री करती है। जाशू कहता है तो हम मिलते हैं। कॉल फाइनली कट हो जाता है। जी जाशू के लिए नेकटाई गिफ्ट में लाती है और कहती है आप ये अपना ग्रेजुएशन गिफ्ट समझ लेना। यहाँ जाशू का गेट बजता है। जैसे ही वो गेट खोलता है जियांग यिंग होती है। वो अंदर आने को कहती है पर जाशू मना कर देता है। वो एनवलप में पैसे देकर कहती है वो इंसान अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो जाशू मना कर देता है। यिंग पूछती है मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम्हारे साथ चलूं क्या। जाशू मना कर देता है। यिंग विशेष देकर चली जाती है। फाइनली ग्रेजुएशन सेरेमनी वाला दिन आता है। सभी वहाँ पहुँचते हैं। जी कई दिनों के बाद जाशू को देखती है। सभी फोटो खिंचवाते हैं। जी इधर उधर से जाशू को देखती है। सभी अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं। फादर पूछता है तुम होम टाउन में ही जॉब करोगे। जाशू एग्री करता है। फादर उसे घर आने के लिए इनवाइट करते हैं। फादर यान के पास चला जाता है। जाशू जी से कहता है हम कई दिनों बाद मिले हैं। जी उसे बुके देती है। जाशू उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। जैसे ही वो उसे नेकटाई देने जाती है बट वो नहीं दे पाती क्योंकि जाशू उसे उसकी पढ़ाई में प्रोग्रेस की बात करता है। तभी अनाउंसमेंट होती है। वो लोग सेरेमनी के लिए निकलते हैं। रास्ते में प्रोफेसर्स और फ्रेंड्स पिक्चर लेने की बात करते हैं। जी उन सभी की फोटो लेती है। जाशू और टीचर अपने फ्रेंड से मिलता है और उनसे अपने गोल को लेकर बात करता है। सभी अपने लाइफ में अलग अलग रास्ता लेंगे और वो एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। वो लोग ऐसी बातें करते हैं। जी सब कुछ सुनकर सैड होकर पूछती है आप अपने क्लासमेट से नहीं मिलेंगे। जाशू एग्री करके उसे समझा कर कहता है तुम चिंता मत करो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। जिसने मुझे दुबके चुपके रेड पैकेट दिया तुम उनसे बहुत अलग हो क्योंकि तुमने मुझे बुके भी दिया। जी खुश हो जाती है। तभी जाशू अपने फ्रेंड को बुलाकर जी के साथ अपनी फोटो खिंचवाता है। दोनों अलग अलग पोज देते हैं। रात में सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को टोस्ट देते हैं। यहाँ सभी मस्ती मजाक करते हैं और अपने नए लाइफ के करियर को लेकर बात करके अपनी अपनी मंजिलों की बात करते हैं। यिंग के कई मैसेजेस आते हैं। जाशू उन्हें अवॉइड करता है। पार्टी ओवर हो जाने के बाद जाशू यान को घर लाता है। यान बहुत ड्रंक होता है। वो उससे अलग होने के लिए बकवास करता है। तभी यान के पेरेंट्स वहाँ आते हैं। वो उसे देखते हैं। जाशू कहता है ग्रेजुएशन था इसलिए इसने ज्यादा पी ली। तभी जी भी नीचे आ जाती है। जाशू जाने की बात करता है बट मदर उसे यही रुकने को कहती है और जी को सामान देने को बताती है। जी जाशू को यान के रूम में ले जाकर उसे कपड़े देकर पूछती है आपने नहीं पी क्या। जाशू मना करके उसे सोने को कहता है। जी कहती है इस पर टाल और वो सब सामान है। वो ये कहकर भाग जाती है। एपिलॉग में जब यान ये ही जाता है वो एयरपोर्ट पे बैठा होता है। तभी जब वो अपने कोट की पॉकेट चेक करता है उसे जी का रेड एनवलप मिलता है। जैसे ही वो स्टार खोलता है उसे जी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की विशेज मिलती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसे जी के फ्लैशबैक्स याद आते हैं। वो हंसकर वापस ये ही चला जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।